बैक टू यूट्यूब चैनल गाइस, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। सो गाइस, आज की वीडियो में हम i20 की पीछे से लुक पूरी चेंज करने वाले हैं। चेंज इन द सेंस कि हम उसमें एग्जॉस्ट टिप्स लगाएंगे और हम उसमें इंस्टॉल जो हमने वो लगा रखा है पीछे से बुल बार, वो हम उसको रिमूव कर दें क्योंकि लुक्स ऐसे कुछ बढ़िया नहीं लगती वो चीज़। सो हमने पहले लगवाई थी, बहुत था उस टाइम, पता नहीं हमें था कि कार पीछे से कोई ठोके तो बच जाए, बट हमें थोड़ी लुक्स अब ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं हम लोग, तो इसलिए हम उसको हटवा देंगे अब, और हटवा के देंगे, खुद ही हटा देंगे और आपको दिखाते हैं कैसे कैसे चेंज करते हैं। सर ने बताया कि हम इसकी थोड़ी लुक चेंज करने वाले हैं पीछे से। तो जैसे कि आपको पता है हमारी कार में ये लेग गार्ड लगा हुआ है, बुल बार जिसे कहते हैं, तो हम ये हटा के इसमें यहाँ पे एग्जॉस्ट टिप्स लगाने वाले हैं ताकि थोड़ी लुक इसकी बढ़िया हो जाए। हमने ऑलरेडी काम स्टार्ट कर दिया है। देखो यहाँ वाले हमने नट खोल दिए, आपको दिख रहा होगा ये अब इधर से भी खोल दिया। अब जो चैसी पे जो नट लगे हुए हैं दिखाता हूँ, ये वहाँ पे बस वाले नट खोल लें दोनों साइड से, हमारा लेग गार्ड बाहर आ जाएगा। बस यही करना है और कुछ नहीं है, फिर उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो गाइस फाइनली अपना लेग गार्ड बाहर आ चुका है, देख सकते हैं कुछ इस टाइप के स्टैंड पे था, और ये स्ट्रट जो है ये चैसी में हमारे टाइट हो रखे थे, एक इधर का एक इधर का। और फाइनली मैं आपको लुक दिखा देता हूँ, कुछ ऐसी लुक आ रही है कार की। बाकी कार थोड़ी गंदी है तो माइंड मत करना, अभी साफ कर ही रहे हैं बस, देख सकते हैं कुछ ऐसी लग रही है। हमारी टेल लाइट्स भी टिंटेड हैं, स्पॉइलर लगा हुआ है, बाकी लुक काफ़ी बढ़िया आ रही है। ये मैं पहले ही कर देना चाहिए था हटाने का काम, बट थोड़ा पैसा लगा रखा था इसलिए मन नहीं किया था। बाकी जो मैं आपको बता रहा था एग्जॉस्ट टिप्स लगाने वाले हैं, ये रही एग्जॉस्ट टिप्स, देख सकते हैं सिंगल एग्जिट को टू वे एग्जिट में कन्वर्ट कर देती है। बाकी ये देखो केरी सिंगल एग्जिट, तो अगर हम इसको लगाएंगे तो इस कुछ इस तरीके से आएगा। बाकी इसको इंस्टॉल करते हैं, फिर आपको इसकी लुक दिखाते हैं, फिर बात करेंगे इसकी प्राइसिंग वगैरह की। और बाकी का बात करें क्वालिटी की, क्वालिटी अच्छी है, स्टेनलेस स्टील में है, 3 स्ट्रट्स दे रखे हैं टाइट करने के लिए, ईजिली लग जाएगा, देख सकते हैं आप। बहुत बेसिक है, कोई फालतू वो नहीं है कि एच के एस की है, बोर्डला की है, बिल्कुल सिंपल है, सबसे सस्ती है इसलिए हम लगाए हैं, कि और थोड़ा बिल्कुल बेसिक लगती है, कुछ फालतू नहीं लगता बस। तो गाइस ऐसी कुछ लुक आ रही है अपनी कार की पीछे से एग्जॉस्ट टिप लगाने के बाद। पहले आपने देखा होगा इसमें बुलवार लग रखा था, उससे थोड़ी लुक कार की अजीब सी थी, मतलब पीछे को अजीब सी लगती थी गाड़ी। अब काफ़ी स्लीक लग रही है, जो इसकी मेन i20 की लुक है, स्लीक एकदम, पीछे की लाइटें भी, और अब देखो कितनी बढ़िया लग रही है कार। और हमने वो इसलिए भी हटाया क्योंकि इसमें अगर जो जैसे पीछे से गाड़ी लग जाए तो इसका डायरेक्ट चैसी पे इफेक्ट आता है, देखो ये चैसी पे माउंट है, इसलिए हमने ये हटाया। और इसका दूसरा जो रीज़न है वो लुक्स बहुत बेकार हो जाती थी गाड़ी की, और एडवांटेज उसके ये थे कि वो बचा लेते थे गाड़ी के बम्पर को, और लेकिन अंदर से फ्रेम ख़राब हो जाता गाड़ी का चैसी जो था, इसलिए हमने उसे हटा दिया। और अगर जो कॉस्टिंग की बात करूँ तो वो हमने जो बुल बार है वो 2800 का लगवाया था, आपको अगर जो लगवाना हो किसी को। और इसकी बात करूँ अगर जो मैं जो ये है एग्जॉस्ट टिप, हमने बेसिक वाली लगाई है कि हमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं करने थे इस पर, बस एक लुक के पर्पस से लगानी थी। वैसे महंगी भी आती है एच के एस बोर्डला ये सब लिखी हुई, वो 2000 तक की आती है, 2000 तक की आती है। और इसकी बात करें तो ये हमें 680 की पड़ी, हमने अमेजोन से मंगाई है, मैं लिंक भी डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन में, आपको परचेज़ करनी है आप कर सकते हैं वहाँ से। गाड़ी की लुक बढ़िया हो चुकी है, कितनी बढ़िया लगती है अब साइड से। अगर इस वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।